हेलो बच्चे लोग, अभी हम लोग ने एल अक्षर की पहचान किया। अभी हम लोग बच्चे लोग को देखो, एल अक्षर के लेटर लिखने को बहुत कंटाळा आता है। फिर बच्चे लोग करने के लिए ये करते हैं कि ना, करने में उनको दिक्कत आती है। तो हम लोग क्या करेंगे, बच्चों के पास से हम लोग खेलते खेलते एक्टिविटी कर सकते हैं। अभी देखो मैंने क्या किया, दो ऐसा खड़ी एक लाइन और एक आड़ी लाइन किया। देखो हाँ, इसमें क्या किया मैंने, ये बड़े मेरे स्टैंडिंग लाइन और ये स्लीपिंग लाइन। क्या है स्लीपिंग लाइन, इससे बच्चों को हंसते हंसते खेलते खेलते हम लोग एल आकार सिखा सकते हैं। देखो हो गया ना एल, ये स्टैंडिंग लाइन, ये स्लीपिंग लाइन। अभी कौन सा लेटर बन गया, एल। कौन सा अक्षर बन गया लेटर, एल। कौन सा बन गया, एल। ऐसे बच्चों को भी हम लोग हमेशा बोल सकते हैं, स्टैंडिंग लाइन स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन स्लीपिंग लाइन। इससे क्या होता है, बच्चों को भी खेलते खेलते बहुत मज़ा आ सकती है। इस तरफ हम लोग और भी कर सकते हैं। देखो अभी मैंने क्या किया है, देखो अभी स्टैंडिंग लाइन किया, बच्चे को अभी करने को आ गया। तो फिर से क्या करेंगे हम लोग, स्टैंडिंग लाइन करेंगे, फिर ये स्लीपिंग लाइन। हाँ, तो उसको क्या करें, हमारे घर में जो बिंदिया रहेंगी या कोई चीज़ रहेंगे अपने घर में, तो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अपने पास न्यूज़पेपर रहेंगे, कोई भी चीज़ होगी, तो इसमें स्टैंडिंग लाइन को क्या किया मैंने, बड़ा बिंदिया लगाया, और स्लीपिंग लाइन को क्या किया मैंने, छोटा बिंदिया लगाया। बच्चों को लोगों भी उनकी एकाग्रता बढ़ सकती है, उनको चिपकाना कैसा है। अभी ये बिंदिया है, अभी वो छोटी सी बिंदिया है, वो उसके उंगली से पकड़ना भी उनको अच्छे से आदत हो सकती है। जैसा पेंसिल कैसे पकड़ते, तो वो अपने खुद का खुद खोल के बिंदी लगाना भी उनको आसान ऐसा पड़ता है। इस तरह वो बच्चे सीख सकता है। इसीलिए हम लोग क्या कर सकते हैं, देखो अभी एक क्या किया मैंने, स्टैंडिंग लाइन को बड़ा बिंदी लगा, स्लीपिंग लाइन को मैं छोटा बिंदी लगा। बच्चा एक अपने घर में जो बिंदी हो गया, अपने घर में कोई भी चीज़ होगा, समझा हमारे घर में बिंदिया नहीं है, कुछ नहीं है, तो हम लोग कोलाज का पेपर कर सकते हैं, उसकी छोटे छोटे सा कागज़ का इकट्ठा करके हम लोग गुठली बना के भी चिपका सकते हैं। फिर उंगली का ठसे काम कर सकते हैं, इसे उंगली से हम लोग कलर लेके भी उनकी उंगली से कर सकते हैं। इस तरह हम लोग बच्चे का एक स्नायु का विकास होता है। बच्चों को पेंसिल कैसा पकड़ना है, बच्चा को जब हम लोग राइटिंग लिखने को बोलते हैं बहुत दिक्कत आती है, तो ये बच्चे को ऐसे करेंगे तो बहुत मज़ा भी हो सकते हैं। ये भी हमारे एक्टिविटी है। तो इस तरह हम लोग बच्चों को एल अक्षर सिखा सकते हैं। फिर देखो अभी मैंने क्या किया, देखो अभी ये क्या है, इसे एल अक्षर के ऊपर जो कोई चीज़ रहेंगे ये भी बच्चे को बताएंगे तो और भी मज़ा आते हैं। देखो ऐसे मैंने दो क्या किया लाइन, स्टैंडिंग लाइन लिया, दो लाइन कैसे बनाया, स्टैंडिंग लाइन। इसके ऊपर मैं क्या करेंगे, बच्चों को बोलेंगे चलो बच्चे लोग, अब ये दो स्टैंडिंग लाइन है ना, उसके सामने ऐसे आप एक एक लाइन रखो, एक हो गया, फिर अपने कितने होएगा, 4 5 10 होएगा तो भी चलेगा। इसके ऊपर हम लोग ऐसे लाइन या चिपका सकते हैं, गोंद लेके या फेमिकोल से भी चिपका सकते हैं, या बच्चे को ऊपर रखने का भी बैलेंस कैसे संभालना होता है मालूम पड़ता है, कितना डिस्टेंस रखना है, कितना अंतर रखना है, खुद का खुद बच्चा सीख भी सकता है। इसीलिए हम लोग ऐसे बच्चों को सिखाएंगे। तो इससे क्या हो गया, एल से क्या बन गया, लैडर। क्या बन गया है, लैडर। क्या बन गया, लैडर। हम लोग बच्चों को भी सिखाए, आज क्या सिखाया हम लोग ने, एल से लैडर सीखे, फिर और क्या सीखे, इस तरह से हम लोग बच्चे का ये भी विकास हो सकता है। इस तरह हम लोग बच्चों को फिर से और भी ये कर सकते हैं। देखो अभी मैंने आपको बिंदिया चिपका दिखाया ना, अभी देखो मैंने क्या किया है, इसको बिंदिया को देखो, ये पेपर पे मैंने क्या किया, ऐसा एल निकाला। हाँ, फिर से मैंने क्या किया, उसको थोड़े छोटे बिंदिया उसको छेद, इसने पंच मशीन से मैंने छेद गिराया। छेद गिराने के बाद मैंने क्या किया, अपने इसमें छोटे छोटा इसमें का ये डोरा या अपना कोई भी रहेगा चीज़ का इस्तेमाल करके उनको बच्चे को भरने को बोलेंगे तो भी बच्चा अच्छी तरह से भर सकता है। उनका स्नायु का विकास होता है, फिर उनके एकाग्रता होता है, आई कांटेक्ट उनका अच्छी तरफ हो सकता है। इसी तरह हम लोग बच्चे का भी लेवल बढ़ सकता है। इसलिए
अलग अलग तरीके से बच्चों को हंसते हंसते खेलेंगे सिखाएंगे, तो बच्चे को भी बहुत मज़ा आएंगे और पेरेंट्स ने भी उनके छोटे होने के कारण हम भी उनको सहकार्य करेंगे, उनको हेल्प कर सकते हैं। इस तरफ हम लोग ने करना ज़रूरी है। थैंक यू।